कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। भोलेनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो अभी शाम के बजे हैं 4 और मैं बना रही हूँ चाय। और ना बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगी, कई दिनों से पानी बरस रहा, बादल भी नहीं खुले, बादल हैं ना, धूप निकल रही, बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगी। तो अभी बस चाय, शाम के टाइम हर कोई चाय तो बस पीता है, तो मैं भी चाय बना रही थी, एक चाय बना रही हूँ। और आज हम बनाई थी हमने पपड़ी, वो भी गुड़ की और मूंगफली की पपड़ी। देखिए, क्योंकि सर्दियों में ना गुड़ की पपड़ी ज़्यादा अच्छी रहती, तो गुड़ की ही बनाई थी, शक्कर की नहीं। तो बस अभी मैं बना रही हूँ चाय और फिर बनाऊँगी खाना। तो देख रही है सुबह की 11 या 11:30 का टाइम है, तो हम खाना खा रहे हैं, पूरा काम हो गया और भूख लगने लगी थी। कपड़े वगैरह भी नहीं धुले, अभी ऐसे ही रखे, धुले हुए रखे हैं, मतलब छत पर डालने जाना। और अभी हम और हर्षू खा रहे हैं खाना। देखिए हर्षू क्या खा रही हूँ, ये हर्षू खिला रही है सबको, है ना। और जल्दी और सब लोग क्या, और वो अभी ना धूप निकलने लगी, सर्दी इतनी हो रही ना कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा सच्ची में धूप ही निकली आज थोड़ी बहुत, पर सर्दी बहुत है। वैसे कभी हम लोग बैठते नहीं थे, और देख सकते हैं आप हीटर जला के हम और हर्षू। तो बैठे हुए हैं, बहुत सर्दी लग रही, वैसे तो नहीं बैठे, अभी खाना खा रहे थे। तो हर्षू बोल रही मम्मा, हर्षू ने नहाया अभी और हर्षू को ठंडी लग रही थी, तो बोल रही मम्मा ये जला दो, हम खाना भी खा लेंगे और यहीं पे बैठे हैं। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं भी खाना खा लूँ, कुछ कपड़े डालने भी जाना, वरना सब कपड़े धूप निकल जाती, कपड़े सूखते ही नहीं है, मतलब धूप इतनी हल्की रहती है ना। क्या हुआ, आलू चाहिए? तो बस ये आलू आलू खाती जा रही, मटर खा नहीं रही, तो धूप निकल जाएगी, कपड़े डालने भी जाना। तो बस हम लोग खाते हैं खाना, आप लोग भी खाइए, लड्डू भी खाइए। तो मिलते हैं अभी थोड़ी टाइम में। और अभी हम लोग आ गए छत पे कपड़े उठाने के लिए, धुल के डाल गई थी। तो अभी 4 या 5 का टाइम होगा, तो हम लोग छत पे थे और धूप थी, तो हम लोग घूम रहे थे छत पे। तो थोड़ा हम छत पे घूमेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे। और हर्षू भी बहुत मस्ती कर रही थी मौसियों के साथ अपनी, तो करते हैं एंजॉय। अब भी एंजॉय करिए, बाहर का व्यू दिखाते हैं शाम के टाइम। तो मैंने बुला लिया था कब, ये वीडियो ना काफ़ी दिन पहले का है, एडिटिंग नहीं कर पाई, काम आ गया था थोड़ा, तो उस वजह से। देखिए रोज खिला हुआ है, जो कि सर्दियों में ना बहुत बड़े बड़े फूल आते और बहुत ज़्यादा खिलते। और यहाँ पे देखिए हर्षता हर्षता की मौसी मस्ती कर रही थी, हर्षता बोल रही कि मौसी हम आपको डांस करना सिखाते, तो बस मस्ती कर रही थी। हर्षू तो अपने आप दिखा दी, हर्षू दिखाना थोड़ा डांस आप करती तो। हाँ हाँ कोई सा भी करो, हाँ बस सिखा रही डांस, हर्षता सिखा रही मौसी को डांस। मनीषा तुम उठ जाओ, मनीषा मौसी को ये याद कौन करना। छत पे और इन लोगों की चल रही है मस्ती मौसियों के साथ, हर्षता सिखा रही है सबको डांस करना कि कैसे डांस करती। तो अभी मुझे छत पर झाड़ू लगानी थी, तो मैं आई थी झाड़ू लगाने के लिए, और इन लोगों की चल रही है मस्ती। और ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है सच में, मुझे तो बहुत 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और हर्षू ने ट्यूशन पढ़ लिया, तो हम लोग अभी छत पे आए, तो बस अभी मुझे झाड़ू लगानी, तो झाड़ू लगाऊंगी। और अभी हम लोग आ गए नीचे, और हर्षता को खानी थी सैंडविच, कह रही मम्मा मुझे सैंडविच खानी, तो आलू बॉयलता था नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ आज नए स्टाइल में बनाते हैं। तो मैंने प्याज टमाटर कट कर लिया था, और ये पिज़्ज़ा सॉस थी, तो मैं पिज़्ज़ा सॉस ब्रेड पर लगा लूँगी।
और उसके बाद इसके प्याज और टमाटर, प्याज टमाटर रख के और उसके ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस होती है उसको डाल दूँगी और इस दूँगी पिज़्ज़ा और ऊपर से एक ब्रेड और रख दूँगी। तो अभी मैं डाल दूँगी पिज़्ज़ा चीज और इसके बाद फिर मैं ब्रेड को रख के और तवे पर दोनों साइड से सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दो सैंडविच बनाई थी, एक अपने लिए और एक हर्षू के लिए। तो हर्षू तीखा नहीं खाती तो मैंने हर्षू के लिए चिली सॉस नहीं डाली और मैं अपने वाले सैंडविच पर चिली सॉस भी लगा लूँगी। और बस इसी तरह मैं दूसरा वाला भी बना लूँगी और ये चिली सॉस है तीखी वाली। और थोड़ी सी पनीर रखी हुई थी तो मैंने ऊपर से थोड़ी सी पनीर भी डाल दी और उसके ऊपर फिर मैं चीज़ डाल दूंगी और तवे पे अच्छे से सेकूंगी। मैंने यहाँ पे घी लिया हुआ है देसी घी, आप चाहें तो मक्खन या जो टिक्की आती है मक्खन की उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देसी घी से सेक रही हूँ ब्रेड, दोनों साइड अच्छे से सेक लूँगी कि अंदर की चीज़ भी पिघल जाए अच्छे से। तो मैं ब्रेड को सेक लूँगी अच्छे से। और वैसे सैंडविच कई तरह से, कई लोग कई तरह से बनाते हैं, हर कोई का अपना अपना तरीका होता है। तो मैंने ऐसी सादा ही बनाई है, कुछ ज़्यादा नहीं। तो बस मैं ब्रेड को सेक लूँगी। आप लोगों का मेरा सैंडविच बनाना कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ अगर कोई भी गलती हो या फिर मिस्टेक होती हो ब्लॉग में तो प्लीज़ आप लोग बता सकते, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। किस किस के बच्चे तीखा खाते हैं, मेरी बच्ची तो तीखा बिल्कुल भी नहीं खाती। तो बनाता ब्लॉग मेकअप या फिर और जैसा अगर कोई भी मिस्टेक होती हो मेरी वीडियोस में तो प्लीज़ आप लोग बताया करें कि ऐसा नहीं कोई बड़ा कोई मेरी फैमिली या किसी ने आज तक कोई चैनल या कुछ बनाया वीडियो वगैरह नहीं बनाए, फर्स्ट टाइम मैं ही बना रही हूँ, वो भी यूट्यूब पर देख के मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें मुझे और जहाँ भी मिस्टेक हो तो आप मुझे बता दिया करें कि आपने यहाँ पे इस तरह से नहीं करना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हम लोग अभी बजे हैं शाम के 6 बज गए हैं और हर्षू पी रही है चाय, ब्रेड टोस्ट खा रही है और यहाँ पे हमने बनाई सैंडविच कुछ अलग ही तरीके से, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी, खाने खाने का मन नहीं था तो सोचा कि थोड़ा सैंडविच बना ले कुछ अलग ही तरीके से। तो इसको कट करते हैं इधर ऐसे, हर्षू की स्माइली ऐसी बनती ऐसी बनती ऐसी ना ऐसी फिर स्माइल बना। अच्छा अच्छा सॉरी ऐसे है ना। ये रही स्माइली, आप लोग भी खाए ले लीजिए, खाइए खा। हर्षू की स्माइली अब बिगड़ जाएगी, ये बिगड़ गई। कैसी है? यम्मी, अच्छी लगी है। तो अभी मिलते हैं खाने के बाद है ना हर्षू? या पीना भी बनाना और मन दीपक भी जलाना, संजा भी करनी, शाम का टाइम है तो बस काफी टाइम खाओ, बस ऐसा लगता है जल्दी से काम करो और लेट जाओ। तो बस अभी हर्षू खा रही है, हम भी खाएंगे, आप लोग भी खाएं। ये ली खाइए। ठीक है चलो। और आज हर्षू और मौसी की लड़ाई हो गई तो हर्षू रो रही थी, लेटी थी अभी रूम में अपने अकेले है ना, पागल लड़की इतने जोर से रखती। तो हर्षू और मौसी की लड़ाई हो गई तो रो रो के नीचे आ गई तो लेट गई।
तो मिलते हैं। बाय बाय।